2016 से 5 साल के लिए उस लीज़ मिला था हमें, तो 2021 में वो ख़त्म हो रहा था। तो 2021 में हमने फिर गवर्नमेंट को अप्लाई किया था कि ये सोशल काज है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें एक्सटेंशन आप 5 साल और दे दें। लेकिन लास्ट ईयर जो उन्होंने एक्सटेंशन हमें दे दिया वो सिर्फ 1 साल का दे दिया, तो 1 साल और चला वो, और उसकी लीज़ जो ख़त्म हो रही थी वो 2022 में हो रही थी 19 फेब को। उसके लिए हमने बहुत अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला कि, और हमने फिर 10 मार्च को उसको खाली किया। लेकिन इस बुकशॉप की वजह से कितना फ़ायदा था स्टेट को, जो यहाँ का यूथ है वो आते रहते हैं और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, बहुत सारे एल्बम्स बने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर नेशनल लेवल पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहला बुक शॉप आया नेशनल लेवल पे, नॉट स्टेट लेवल। आप देख लीजिए, मतलब इन 5-6 सालों के अंदर वहाँ पे कितने फंक्शंस हुए, बुक रीडिंग सेक्शन जो है वो हुआ वहाँ पे, जैसे जो ये बच्चे आजकल के जो पोइट्री लिख रहे हैं, प्रोज लिख रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी मतलब जिसमें भी ये इंटरेस्टेड है, तो बुक लॉन्च वहीं पर करते थे ये किताबें सारे, और डिबेट होता था ऑथर्स और यूथ के बीच में। It was not just a bookstore for me, it was like it was something that touched the heritage of Kashmir. It had literature that touched the roots of Kashmiri people, the roots of Kashmir. So it really wasn't a bookstore only or a cafe only, it was something that connected us to our past, that connected us to our roots. I feel a heavy sense of loss that now we won't be able to, you know, have those discussions, have those intellectual discussions, and we won't be able to connect to our roots as easily as we could connect there. When this Gagribal Park, as we know it, which has a restaurant, was converted into a bookshop and a coffee shop, we saw it as a good beginning for people who are interested in books and equally want to exchange ideas. It provided a very good environment. One would say that it would give you an intellectual kick. Now, for 3 years we couldn't go because of the COVID and other things. Now the COVID was over, and in fact I didn't know that it has been closed. I wanted to visit the place, and when I reached there, I saw there are no books. It is an empty space. That we felt bad about it. ये ऐसा bookshop था कि ये एक landmark था state के लिए भी, और हमारी जो company है Gulshan Books उसके लिए भी, और बुक ट्रेड के लिए भी एक लैंडमार्क बुकशॉप था ये, बिकॉज ऑफ कि ये ऐसी जगह थी कि जहाँ पे अगर कोई पढ़ना ना चाहे लेकिन फिर भी वो किताब हाथ में लेकर चार चिनारी जबरवन पहाड़ियों की तरफ देखकर वो सुकून मिलता था उसको, अगर वो किताब भी ना पढ़े तब भी सुकून मिलता था उसको किताब हाथ में लिए हुए, तो ऐसा लैंडमार्क बुकशॉप था ये।